आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इज एसेंशियल। और इसी के चलते हुए आज एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आपको काफी तकड़ी गिरावट के साथ दिखाई देगा, पर घबराइए नहीं, ये गिरावट स्टॉक स्प्लिट की वजह से है और 7 दिनों के अंदर आपके पास जो एडिशनल शेयर हैं, नो शेयर जो आपको एडिशनल मिलेंगे वो ऐड हो जाएंगे। हम बात करेंगे इस वीडियो में सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। कंपनी एक बड़े लेवल पर काम कर रही है जिन्होंने ना ही सिर्फ इलेक्ट्रिक टावर्स बट आपके टेलीकम्युनिकेशन टावर और फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। आइए सबसे पहले कंपनी की लेटेस्ट न्यूज के बारे में खबर पता लगाते हैं। तो कंपनी का आपको पता ही होगा, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जून 22 को कंसिडर करेगी कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर 200 करोड़ रुपए के लिए, जो कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में किया जाएगा और इससे मच नीडेड फंड्स इनको मिलेगा, जो इसके लिए एक अच्छा मौका साबित होगा अपनी एक्सपेंशन को फर्दर एक्सेलरेट करने के लिए। अगर हम टेक्नोलॉजी सलसार टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो इनको एक नया ऑर्डर भी मिला था 1,182 करोड़ रुपए का, जो कि 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर बुक करीब 1,000 करोड़ के आसपास की है और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑर्डर है इसमें से हैवी स्टील डिवीजन के करीब 200 करोड़ का ऑर्डर है इनको। तो ऑर्डर बुक काफी हेल्दी होना एक फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और रिवेन्यू को दर्शाता है। इन्होंने यहां पर करीब 50 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए बात कर रहे हैं, जो कि नए प्लांट का काम करेंगे और ये प्लांट उम्मीद लगाई जाएगी कि अगले साल के अप्रैल तक एक्टिविटी शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए बैंक लोन भी लिया है जो इनको फर्दर रिवेन्यू को इंक्रीमेंटल देगा हमारे हिसाब से। अब इंडिविजुअल इंसाइडर्स जो हैं करीब 40% के आसपास इसमें होल्डिंग करते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टडी फेज दिखाता है इंडिविजुअल होल्डर्स की और साथ साथ में इतनी ही होल्डिंग ऑलमोस्ट प्राइवेट कंपनीज की है। तो ये मतलब समझिए 70% से ज्यादा इन्होंने दो सॉलिड हैंड्स के पास है यहां पर इनकी होल्डिंग। और अगर आप मार्केट का रिटर्न देखें पिछले एक साल में इंडस्ट्री ने 16% दिखाया है और यहां पर कंपनी ने करीब 43% का रिटर्न दिखलाया है। पिछले 5 साल में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिखाया है, बट अब काफी अच्छा रिटर्न दिख रहा है कंपनी से। कॉर्पोरेट एक्शन भी है जिसकी वजह से, वन ऑफ द रीजन ये एक्शन है, वॉल्यूम इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट हायर। अब जब भाव नीचे आता है तो काफी लोग इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर 10 रुपए के शेयर को 1 रुपए के फेस वैल्यू शेयर में स्प्लिट कर दिया जाएगा। इसकी एक्स डेट है 27। अगर आपको टैक्स पर्पस के लिए इसको लेना है तो 27 तारीख से पहले आपके अकाउंट में ये होना चाहिए, उसके बाद आपको इस स्प्लिट का फायदा नहीं मिलेगा। देखिए प्राइस एक्शन आता है और साथ साथ में लॉस बुकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो ये डबल बेनिफिट की तरह से आपको काम करेगा। टैक्स बेनिफिट कैसा होता है, आइए जरा चलकर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने करीब 1200 के भाव में इसके 10 शेयर लिए हुए हैं, तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 12,000 रुपए, आपका निवेश इतना ही रहेगा। 10 की जगह पर 20 शेयर हो जाएंगे तो इसका भाव करीब करीब 60 रुपए के आसपास आएगा यहां पर। तो इसमें आपको 60 रुपए का 600 रुपए का एडवांटेज मिलेगा। अब क्योंकि आपका शेयर जो है वो 20 की बजाय आपके पास में 10 की जगह 100 शेयर होंगे, तो इस एग्जांपल को समझिएगा, सैंपल एग्जांपल है, तो इसको डबल लेकर करें तो ये हर शेयर पर करीब इसका जो भाव आएगा 120 रुपए का रहेगा और हर एक शेयर पर आपको करीब करीब 1,080 रुपए का टैक्स एडवांटेज मिल सकता है। तो ये समझिएगा, ये एग्जांपल के साथ बता रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, आप चाहें तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपने
इक्वल शेयर के एवरेज भाव से कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये इसके लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर करेगा। आइए जरा चलकर कंपनी के कुछ फंडामेंटल व्यू देखते हैं। अगर मार्केट कैप को देखा जाए तो मार्केट कैप की दृष्टि से 680 करोड़ की कंपनी है। जब भी आप निवेश करें मार्केट कैप को जरूर ध्यान रखिएगा। फंडामेंटली एक स्मॉल कैप है तो 2% से ज्यादा आपको निवेश करने की इसमें सलाह नहीं दी जाएगी। अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड भी देती है, साथ साथ में कंपनी का एवरेज वॉल्यूम जो है 1,20,000 के आसपास शेयर है और 45% की डिलीवरी है, तो उन पैरामीटर पर थोड़ा सा लिक्विड कंपनी है, 2% से ज्यादा पर निवेश नहीं करने की सलाह देंगे। अगर रिवेन्यूज की बात की जाए तो एक स्टडी फेज का रिवेन्यू दिखा रही है कंपनी, पर पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी अच्छा इजाफा दिखाई देगा। 526, 590 और 718 करोड़ का रिवेन्यू दिखलाया है कंपनी ने यहां पर। अगर हम और बात करें इसके बारे में तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा इजाफा दिखाने की कोशिश की है, 22 करोड़, 29 करोड़ और फिर 31 करोड़। अभी बहुत जल्द उम्मीद लगाई जाएगी आने वाले साल में ये 35 करोड़ के आसपास एज पर प्रोजेक्शन ये इसका नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट होना चाहिए यहां पर। अगर हम इसकी बात करें कि जो इस तरह से एक्टिविटी आएगी, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक की पैरामीटर होता है, जब तक इसको फर्दर इंक्रीज करते रहेंगे ये बहुत बढ़िया रहेगा। और इनका पैट जो है रेवेन्यू के रेफरेंस में 20% के आसपास है, जो कि रिलेटिवली हाई है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। तो इस हिसाब से इस पैरामीटर पर भी ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 70% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है और 29% के आसपास इसमें पब्लिक की होल्डिंग है यहां पर। साथ साथ में अगर हम बात करें जो की होल्डर्स है, कॉर्पोरेट बॉडीज के पास 5.57, 7M डेवलपर्स के पास 2.8%, सीमा गोयल जी के पास 2.8%, HUF के पास 1.35 और निशा जिग्नेश मेहता जी के पास 1.28% है। ओंकार नाथ अग्रवाल 1% के आसपास इनकी होल्डिंग है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर की होल्डिंग है उसमें काफी अच्छा सॉलिड हैंड बड़े बड़े लोगों ने डाला है। सलसार टेक्नोल इंजीनियरिंग ये कस्टमाइज स्टील फैब्रिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अक्रॉस इंडिया, और इसके लिए इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर इंजीनियरिंग डिज़ाइन फैब्रिकेशन एक्टिविटी की हुई है। अब अगर इनके एक स्नैपशॉट देखा जाए तो 600 से ज़्यादा इनके पास कस्टमर हैं और 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ को ये अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। टेलीकॉम टावर को देखें तो 50,000 से ज़्यादा टेलीकॉम टावर इन्होंने सप्लाई किए हैं और साथ साथ में इनकी 400 से ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। तो उस हिसाब से कंपनी बहुत बढ़िया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबल करती है कंपनी। चाहे आप ग्रीनर एनर्जी को देखें, चाहे आप इनके जो स्टील ब्रिजेस हैं उनके बारे में देखें, और साथ साथ में चाहे आप इनके टेलीकॉम टावर्स को देखें या फिर इनकी पावर ट्रांसमिशन एनेबल्स को देखें। तो इनका बिजनेस डिवीजन अगर प्रोडक्ट को देखें तो सबसे अच्छा इनका जो है टेलीकम्युनिकेशन का है। ये मल्टीपल कॉमन शेयरिंग टेलीकॉम सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए यहाँ पर डिजाइनिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी मोनोपोल्स डिजाइन करे हैं, टावर डिजाइन करे हैं और इनके लिए अलग अलग लेवल पर इनके बिजनेस मरे हुए हैं। और अगर देखें तो पावर सेक्टर में भी काफी अच्छा इनका योगदान है, यहाँ पर पावर सेक्टर के टावर्स के लिए एजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि देश के कोने कोने में बिजली पहुंच सके, और यही चीज रेल ट्रैक को इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काफी फोकस है इनका, अगर देखें तो सोलर पैनल और साथ साथ में आपका जो सोलर विंड एनर्जी है दोनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। और अगर हम बात करें सिटी का स्मार्ट सॉल्यूशन, देखिए हाइब्रिड मॉडल चल रहे हैं आजकल, आपको सारे के सारे रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ व्यू ऑफ कि ये एक आपका ट्री है रादर देन एमिटिंग एनर्जी। तो इस हिसाब से आगे पोल्स के लिए भी काफी अच्छा है, आपको वर्टिकली लॉन्ग टावर्स चाहिए स्टेडियम्स में और अदर लोकेशन पे, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए पोल्स और लाइटनिंग के लिए चाहिए, तो ये इनके लिए अच्छा है। तो अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो जियो, हनीवेल,
क्रॉम्पटन, बजाज, काफ़ी बड़े लेवल के इनके क्लाइंट्स हैं इस हिसाब से अगर हम बात करें तो। और देखिए हैवी स्ट्रक्चर ब्रिजेस और अदर कनेक्टिंग एक्टिविटीज़ पर भी इनकी स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड की जाती है, जो इनको आगे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। JSW स्टील, लॉसन एंड ट्यूब्रो, टाटा स्टील एंड अदर कंपनीज इनके बड़े लेवल के क्लाइंट हैं। तो ये सलसा टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे लेवल पर कारोबार कर रही है हमारे हिसाब से। और अगर आप इसका एक साल का रिटर्न देखें तो करीब 27% का नेगेटिव रिटर्न दिखाया है। 350 का पीक था और करीब करीब इसने 220 के आसपास का लो बनाया हुआ है। आज इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट दिखाई देगी आपको मार्केट में, उसका रीज़न इसका स्टॉक स्प्लिट एक्टिविटी ही है। आइए जरा चलकर पीयर कंपैरिजन करते हैं और फाइनेंशियल पैरामीटर देखते हैं सलसार टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक साल में 62% का नेगेटिव रिटर्न दिखाया है, जहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मैक्स ने करीब 34 और 42% का पॉजिटिव रिटर्न दिखलाया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो 31 करोड़ की प्रॉफिट है, भारत इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है 2300 करोड़ की। पर आप एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, इसलिए हमने एक नया पैरामीटर लेके आए हैं आपके लिए, प्रॉफिट पर 1000 करोड़ मार्केट कैप। इसमें अगर देखें सालसा टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एडवांटेज दिखा रही है, 45 के आसपास है। इसका मतलब हर 1000 करोड़ की मार्केट कैप पर जहां पर भारत इलेक्ट्रिक सिर्फ 43 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, सलसा टेक्नोलॉजी 45 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, जो कि एक पॉजिटिव माना जाएगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.8 है, छोटी कंपनी है, डेप्ट लेना पड़ रहा है क्योंकि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए काफी बड़ी फंडिंग की जरूरत होती है। कंजम्पशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन की वजह से यूएस एंड यूरोप में भी इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। लोगों को जितने ज्यादा टावर रहेंगे उतना अच्छा एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर। तो कॉस्ट इनकी सबसे अच्छी एडवांटेज है क्योंकि इन्होंने डिजाइनिंग का काम पहले ही किया हुआ है, तो ये अब अफोर्डेबल टावर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं जिससे कस्टमर बेस बढ़ता है, जिससे इनको गेन्स मिलेंगे और शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़िया बनेगी। अगर हम चलकर इसका टेक्निकल व्यू देखें तो काफी अच्छे पैरामीटर पर इसने लोअर लेवल पर सपोर्ट देखी है। आज का भाव बंद होते होते 263 था और ये जब खुलेगा तो करीब करीब 270 275 के रेंज में, हमारे सॉरी 27 रुपये या 28 रुपये के बीच में आपको मिलना चाहिए ये शेयर। तो बंद होने से पहले, जो एक्टिविटी से पहले काफी अच्छा बाउंस बैक दिखाया था। देखिए यहाँ पे बोलिंजर बैंड के अपर हिस्से में कारोबार कर रहा है, और अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज देखें तो इसका 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में, जो एक पॉजिटिव साइन दिखलाता है, स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर कर रहा है। सुपर ट्रेंड के बेसिस पर 268 का एक रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पर RSI लेवल 59 है। अगर एलिगेटर इंडिकेटर को देखें तो ये एक बड़े अच्छे पैरामीटर के लिए ब्रेकआउट दिखा रहा है और MACD ने भी इसको बाय सिग्नल जनरेट करके रखा हुआ है। तो इस सारे पैरामीटर के बेसिस पर हम आपको इसको रिकमेंड करते हैं लॉन्ग टर्म की दृष्टि से, जिन्होंने इसको पहले खरीदा हुआ है। टैक्स बेनिफिट के लिए चाहे तो अपना एक शेयर बेच सकते हैं और रिमेनिंग 9 शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में बना के रखिए, जो आपको फ्री में मिलेंगे। ये आगे चलकर नए प्रोडक्ट के साथ रेवेन्यू बढ़ाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा। चाहे तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना है तो 299 का एडवांस पैकेज ले सकते हैं। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, और ट्रेनिंग के लिए आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं।